नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए दो नोटिफिकेशन लाने वाला हूं, वैसे मैंने आपके लिए आज दूसरी नोटिफिकेशन लाया हूं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, इसमें आप विद्युत सहायक की पोस्ट निकली हुई है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। इसमें फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को देख के मैं काफ़ी खुश हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर ला चुका हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाती है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत सहायक की पोस्ट निकली हुई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले साथ में सिविल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यदि आपको इसमें वर्क करने का मौका मिल रहा है तो आप इसको फॉर्म को जरूर से फिल आउट करें। पूरा डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जॉब टाइटल की, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। यदि मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो यदि आपने बीई बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है बीई बीटेक, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो बीई या बीटेक है वो फुल टाइम होना चाहिए, आपका पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। साथ में आपका 55% होना चाहिए एग्रीगेट के तौर पर, और 7th 8th सेम आपका पास होना चाहिए बिना किसी एटिकेट से। ठीक है, एटिकेटिस आपको नहीं होना चाहिए 7th और 8th सेम में, यदि है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर। यहाँ पर यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, बी बीटेक से है, फुल टाइम कोर्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 55% का एग्रीगेट वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पर 7th और 8th सेम में पास होना पड़ेगा बिना किसी एटिकेटी से, मतलब आपको किसी भी प्रकार का उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम क्लियर हो आपका ये होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम अगले डिटेल पर जो आती है यहाँ पर एज लिमिट के लिए। तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर है अर्निजर कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स, और बाकी सभी कैटेगरी है जैसे EWS, SC, ST, बाकी सभी कैटेगरी के लिए क्या है यहाँ पर 40 ईयर्स का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सभी के लिए वो यहाँ पर कितना कितना दिया है। यदि फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर 5 ईयर्स का रखा गया है, और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स का रखा गया है, और जो इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं रिटायर्ड एम्प्लॉई है GTCO के, उसको 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से सारी चीज़ें देखना है, इन सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, हम आशा जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके पहले पूरे वीडियो को आप समझ लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका किस तरीके से सैलरी आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो फर्स्ट ईयर आपके यहाँ पर होने वाली 37,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, जो बढ़कर आपकी हो जाएगी सेकंड ईयर से 39,000 पर मंथ। ठीक है, तो लमसम सैलरी है, काफ़ी बढ़िया सैलरी है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सभी को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो यहाँ पर 300 वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए। साथ में यहाँ पर 52 वैकेंसी निकली हुई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो 352 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है स्टूडेंट किसी एक कंपनी में एक साथ निकलना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं एप्लीकेशन फीस का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आपका यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ACBC से हैं या EWS कैंडिडेट के हैं, तो यहाँ पर आपका GST के साथ 500 रुपये लगने वाला है, और यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको फीस आधी हो जाती है, जो कि हो जाएगी 250। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फीस है आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है। ठीक है,
इस चीज़ के अलावा आपको ध्यान रखना है कि मनी ऑर्डर नहीं करना है, चेक नहीं देना है और कैश नहीं देना है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक प्रकार की यहाँ पर रिलेटेड लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, साथ में आपका हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप हमें पर्सनल तरीके से बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है। यदि हम बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है रिजल्ट किस प्रकार से होने वाला है, यहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 1/4 की, ठीक है। पेपर इंग्लिश में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, कुछ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, आप यहां पर सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें देखना है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर आने वाली है, किस तरीके से आपको सारी चीजें यहां पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन करना है, कौन से सेक्शन से कितने परसेंट का वेटेज रखा हुआ है, सब कुछ इसने इस वीडियो में बताया है और इस नोटिफिकेशन में भी बताया है, ठीक है। इसलिए आप पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और जब आप प्रिपरेशन करें तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना है। ये आपको पूरा नोटिफिकेशन है, एक बार हम आपको विजिट यहाँ पर पूरा करा देते हैं। काफ़ी लंबा इनका नोटिफिकेशन रहता है, पिछली बार भी जब हमने वैकेंसी बताई थी आपको तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है किसी भी तरीके की तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें मेल कर सकते हैं 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक है। वर्किंग डेज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है स्टूडेंट। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना भूल गए कि जब आपने यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है स्टूडेंट कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखना और कब से आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है वो 18 जून से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और 21 दिन तक ये चलने वाली है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट लेते रहिएगा। तो काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप इसको पहले से अपडेट हमने कर दिया है, इसलिए हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए और आपकी वो जॉब वहाँ से चली जाए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी हिट करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बेल आइकन को हिट नहीं किए हुए हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आई होप स्टूडेंट आपको पूरी चीज़ें आज की समझ में आई है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है पूरी प्रोसेस समझ में आई है आपको। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी दोस्तों को वहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप हर एक वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके फॉर्म को फिलआउट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।